देखिए आज हमारे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और इस पूजा का समापन किया गया। सुबह 5-4 बजे से हमारे पास यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो पहुँच जाती हैं आजाद पार घाट पे, और ये जो कुंड में पानी दिख रहा है इसके अंदर, कुंड के पानी के अंदर कपड़े करके भगवान सूर्य देव का आने का इंतजार करती हैं, और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की जो तपस्या है उसके बाद सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। तो उनको दूध और जल से अर्घ दे करके और साथ में जो पकवान बने हुए होते हैं, ऋतु फल जो भी होते हैं, सीताफल, सिंघाड़ा, गन्ना, और जो हमारे मेन पकवान है, मुख्य पकवान जो होता है वो ठेकुआ, इन सब का प्रसाद भगवान को भोग लगा करके इस पूजा का समापन किया जाता है। क्या दुआ मांगी? दुआ देखिए, इस पूजा से मैं दुआ यही है, घर की खुशहाली और बच्चों की शांति, और देश में भी शांति बनी रहे, सभी में आपस में भाईचारा बनी रहे। और ये पुत्र दायिनी मानी जाती है इनको, तो कई महिलाएं जिनके पुत्र नहीं होते तो खास करके इस व्रत को करते हैं। कहाँ हो रहा है ये प्रोग्राम? आजाद पार्क में ये प्रोग्राम प्रवासी सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर के तले हो रहा है, जो कि हम लोग पिछले 10 साल से कराते आ रहे हैं। मैं राजीव गुप्ता, संस्था का अध्यक्ष। होती है हमारे जी, क्या होती है? छठ पूजा होती है आजाद पार्क जी। किसे की जाती है? 4 दिन का त्यौहार होता है और छठ मैया सूरज देव का जल चढ़ाते हैं। क्या कहते हैं 4 दिन में? 4 दिन में एक दिन तो नहीं खाई, उस दिन लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं हमारे, मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरे दिन होती है, मतलब दिन भर तो पूरा वो होता है खरना का उपास, और शाम को मीठी चावल और खीर बनती है और पूरी बनती है। उसके है ना फास्ट करने वाले व्रत खोलते हैं उसी टाइम, और फिर दूसरे दिन होता है पहली अर्घ जो डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, और फिर तीसरे चौथे दिन मतलब पूरा निस्तार हो जाता है जो उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं जी। क्या कामना मांगी आपने, दुआएं मांगी आप? सब कामना बाल बच्चों के लिए मांगते, अपना घर परिवार अच्छा हो, बच्चे खुश रहे, जो भी बच्चे चाहे वो मिले उनको, और क्या मांग सकते बस। किसी का तांबे का एक लोटा है छोटा सा, ये हम आजाद पार्क में आए, ये हमारे बिहार का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये बहुत है ना, बहुत सफाई से की जाता है ये व्रत, और बहुत पावन व्रत है ये। किस तरह पूजा करती है आप? पूजा क्या क्या करती है आप? पूजा किस तरह करते हैं? पूजा है ना, हम 3 दिन का व्रत, पहले पहला दिन नहाए खाई, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन सुबह उठते सूर्य उगते हुए का अर्घ दिया जाता है, और बहुत अच्छे से किया जाता है। क्या मनोकामना मांगी परिवार की और देश के लिए आपने? परिवार सब कुशल मंगल रहे, सबका कारोबार बना रहे, और सब खुश रहे, रोगी बीमारी सब दूर रहे। आपका नाम? मेरा नाम नेहा शर्मा। बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ये सूरज की उपासना यहाँ होती है, मेन सूरज की पूजा होती है, लेकिन एक मान लिया गया है कि छठी माँ है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेन पूजा सूरज की ही होती है जी। और ये 3 दिन का पर्व चलता है, एक दिन नहाए खाए होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, रोटी रसियाओ खाया जाता है, और दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत होता है, फिर आज तीसरे दिन ये व्रत करके खत्म कर दिया जाता है। क्या मनोभावना मांगी परिवार के, देश के? क्या भगवान की दया से तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे पति भी दिए हैं, दो बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, अब बस मेरा घर संसार बसा रहे, दोनों सब सुख संपन्न रहे, मेरी गोद भरी रहे और सुहाग बना रहे, बस यही आशीर्वाद माना। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी आर्य। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल, ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियाँ, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640।
पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।